Good morning, students. Bete, we were doing process of staffing. So first step is estimating manpower requirements. Second step is recruitment. These two steps we have already discussed. Third step, selection. Now the step of selection further involves various steps. ठीक है, जो selection का process है उसमें भी कुछ steps involved होते हैं. फर्स्ट बीइंग प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसमें हम जो लोग हमारी क्वालिफिकेशंस को मीट नहीं करते या अनफिट हैं हमारे इस काम के लिए, उनको हम रूल आउट कर देते हैं और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की एक लिस्ट बना लेते हैं. आफ्टर दैट वी कंडक्ट सिलेक्शन टेस्ट्स. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ टेस्ट्स लाइक इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट. ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेस्ट वी फर्दर शॉर्टलिस्ट अवर कैंडिडेट्स. जो कैंडिडेट्स इन टेस्ट को जो भी हमने उनके लिए रखा है, इंटेलिजेंस टेस्ट रखा है या पर्सनैलिटी टेस्ट रखा है, जो भी टेस्ट हमने पेपर एंड पेन टेस्ट रखा है या कोई एक्शन टेस्ट रखा है, उसके बेसिस पर हम जो कैंडिडेट्स क्लियर कर गए इस टेस्ट को, उनको हम शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं. After that, shortlisted candidates are interviewed. उनकी हम interview लेते हैं. तो interview क्या होती है? Interview is basically बेटे in-depth conversation between the interviewer and the interviewee. So on the कुछ चीजें जो है हमें वो test के basis पर या biodata के basis पर employee के नहीं पता चलती है, उसका confidence level, उसका डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हम इंटरव्यू कंडक्ट करके ही जान सकते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू देन कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड एंड आफ्टर दैट द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को का हमें रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा. सो रेफरेंस चेक में क्या होता है कि आपको ये देखना होता है कि जो कैंडिडेट ने अपनी क्वालिफिकेशन बताई है या जो अपना एक्सपीरियंस बताया है उसको आपने वेरीफाई करना है कि कहीं पर ये इसमें कोई झूठ का एलिमेंट तो नहीं है कि उसने ये लिख के मैं केपीएमजी में काम करता था और ही वॉज नॉट एम्प्लॉयड देयर एट ऑल, ऐसा तो नहीं है. तो इसीलिए एक हम उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक लेते हैं. जब हम एप्लीकेशन फॉर्म उससे मंगवाते हैं, जब वो अप्लाई करता है कैंडिडेट, दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली बेटे वी आस्क द कैंडिडेट टू राइट रेफरेंसेस ऑफ द नेम्स ऑफ टू रेफरेंसेस. ठीक है, उन रेफरेंसेस जो रेफरेंसेस हैं वो उसके पास्ट एम्प्लॉयर भी हो सकते हैं, उसके टीचर्स भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर, कॉलेज के टीचर्स जो हैं वो भी हो सकते हैं. हाँ, फ्रेंड्स सॉरी रिलेटिव्स वगैरह को हम रेफरेंस का नहीं कंसिडर करते, बिकॉज ऑफ कोर्स आप किसी के अपने पेरेंट्स का नाम लिख दो या अपने रिलेटिव्स का लिख दो तो वो वही बोलेंगे जो आपने उनको सिखाया पढ़ाया होगा. वेयर एज जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है आपका या आपके स्कूल का प्रिंसिपल है या कोई और नोन पर्सन है आपका जिसके अंडर आपने काम किया है या ट्रेनिंग की है या आपको आपका एक्वेंटेंस है, तो वो आपके बारे में हमें सही इंफॉर्मेशन दे देगा. सो वंस यू आर सेटिस्फाइड विद योर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स, नाउ यू हैव टू टेक द डिसीजन. ठीक है, तो जिन कैंडिडेट्स ने टेस्ट भी क्लियर कर लिया है, इंटरव्यू भी क्लियर कर ली है और रेफरेंस चेक का भी क्राइटेरिया क्लियर कर लिया है, अब लेट अस से अगर हमारे पास 5 कैंडिडेट्स हैं उसमें से हमको सिर्फ 2 को चेक करना है, 2 को सिलेक्ट करना है, तो जो कंसर्न्ड मैनेजर है जिसके अंडर इस एम्प्लॉई ने काम करना है, ठीक है, हम उसको जनरली उसकी डिसीजन ले लेते हैं, उसका क्या वो किसके कैंडिडेट के फेवर में है उससे हम पूछ लेते हैं, उसकी से ले लेते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ही इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ न्यू एम्प्लॉय. ठीक है, उसकी एम्प्लॉय जो नया एम्प्लॉय हम रख रहे हैं उसकी रिपोर्ट उसी ने बना के भेजनी है, वो क्या काम कर रहा है या जो काम उससे लेना है वो उसी को लेना है. तो इसीलिए हम कंसर्न्ड मैनेजर का एक फाइनल से रख लेते हैं इसमें. ठीक है, उसके बाद है बेटे जो मेडिकल एग्जामिनेशन, because of course we have to see whether the person whom we are appointing
इज मेडिकली फिट और नॉट, क्योंकि बेटे रिक्रूटमेंट इटसेल्फ इज अ वेरी एक्सपेंसिव टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. जब हम एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूट करते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लगता है, हमारे काफ़ी एफर्ट्स जाते हैं और काफ़ी कॉस्ट भी आ जाती है. तो इसीलिए हम बार बार कैंडिडेट को सिलेक्ट करना नहीं चाहते हैं. वी ऑल्सो वॉन्ट टू यू नो शाय अवे फ्रॉम दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन टाइम एंड अगेन. दैट इज वी वॉन्ट टू रिटेन अवर इम्प्लॉइज. तो इसीलिए उसका हेल्थ स्टेटस जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो जॉब ऑफर करने से पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, वेदर ही इज मेडिकली फिट और नॉट. वंस ही क्लियर्स द मेडिकल एग्जामिनेशन देन ही इज गिवन अ जॉब ऑफर. ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बिकम्स जॉब ऑफर. ठीक है, तो वो कैंडिडेट्स जो कि ये सारे हर्डल्स अब क्लियर कर चुके हैं उनको हम जॉब ऑफर देंगे. जॉब ऑफर किस तरह से की जाती है? इट इज मेड थ्रू लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट. ठीक है, हम उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं. तो इस डेट में मेंशन होता है कि कैंडिडेट व्हेन ही इज ही सपोज टू जॉइन हिज ड्यूटीज. ठीक, तो अब किसी भी फॉर्म के लिए जरूरी है कि वो कैंडिडेट को एक रीजनेबल टाइम दे ज्वाइन करने के लिए. हो सकता है आपकी जॉब जो है वो गुड़गांव में लग गई, आप पंजाब बेस्ड हो, सो यू वुड बी नीडिंग टाइम टू यू नो गो टू गुड़गांव, सिलेक्ट अ प्लेस ओवर देयर टू स्टे, बाय न्यू थिंग्स फॉर योरसेल्फ, है ना. इन चीज़ों के लिए आपको टाइम की ज़रूरत है. तो इसीलिए अपॉइंटमेंट लेटर में आपको पहली बात तो बता दिया जाता है आपको कब ज्वाइन करना है. और कई बार इंटरव्यू में ही अगर आपको लगता है कि हाँ इस कैंडिडेट को हम रख सकते हैं तो उस कैंडिडेट से पूछ लिया जाता है कि आप कब ज्वाइन कर सकते हैं. सो गोइंग बाय दैट टाइम इज गिवन, डेट इज गिवन व्हेन ही इज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन. ठीक है, उसके बाद है बेटे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. So after the job offer has been made and the candidate accepts the offer, certain documents need to be executed by the employer and the candidates. हमने एक बार जॉब ऑफर, एम्प्लॉयर ने जॉब ऑफर कर दी, ठीक है, और कैंडिडेट ने वो एक्सेप्ट भी कर ली, तो उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे कि एक डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन फॉर्म. ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म में क्या होता है, इसमें एम्प्लॉई की सारी जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं, जैसे कि उसका नाम, उसकी क्वालिफिकेशन, ठीक है, दीज आर ऑथेंटिकेटेड एंड अटेस्टेड बाय हिम. कैंडिडेट लिखता है कि भाई माय नेम इज सो एंड सो, आई हैव डन माय पीजी इन दिस फ्रॉम सो एंड सो, आई हैव अर्लियर वर्कड इन सो एंड सो इंस्टीट्यूट, माई एज इज दिस. And I hereby declare that all the particulars given above are true fact, states that these are true to my knowledge. And then he puts up his signature. इसको बोलते हैं attestation. आपने जब sign कर दिया किसी facts को लिख के कि हाँ ये सब सही है, तो यानि आपने attestation, उसको attest कर दिया. So ये एक आपके लिए future company के लिए future reference के लिए एक उनके पास ये रहेगा. कल को कोई सपोज करो एम्प्लॉई किसी केस में फंस जाता है तो पुलिस आ जाती है, आपकी फर्म में आ जाती है, तो आपको उसकी सारी डिटेल्स इस अटेस्टेशन फॉर्म में मिल जाएगी. ठीक है, देन यू ऑल्सो नीड टू प्रिपेयर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको कुछ जो बेसिक इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग जॉब वो आपको लिखनी पड़ेंगी. ना कौन सी डिटेल्स, अगेन दैट वेरीज फ्रॉम जॉब टू जॉब, लेकिन कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो हर कंपनी को अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखनी होती है. लाइक जॉब टाइटल, आप जिसको भी आपने सिलेक्ट किया है उसका जॉब टाइटल क्या है. जैसे अगर किसी स्कूल की या हम हॉस्पिटल की बात, स्कूल की बात करें, तो क्या वो पीआरटी टीचर है, पीजीटी है, पीजीटी है, वाइस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, ठीक है, सुपरवाइजर है, कौन सा टाइटल आपने उसको दिया है. देन व्हाट वुड बी द ड्यूटीज ऑफ दैट एम्प्लॉई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट.
जब वो ज्वाइन करेगा तो उसको कौन कौन सी ड्यूटीज जो है थ्रू आउट अपनी जॉब प्रोफाइल में परफॉर्म करनी होगी. देन अगेन दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी. डेट व्हेन कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट्स, उसको एक डेट मेंशन कर दी जाएगी कि इस दिन से आपकी एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूस हो जाएगी. एंड द बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग सर्विस, आपकी सर्विस कौन से बेसिस पर कैलकुलेट होगी. फिर पे आपकी कितनी होगी, अलाउंसेस कितने होंगे, लीव रूल्स क्या हैं, आपको एक साल में कितनी लीव मिलेगी, अगर आपको कोई कंपनी से शिकायत है ठीक है तो आप किस तरह से अपना ग्रीवेंस प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हो. फिर ये भी बताया जाएगा अगर आप किसी एंटी डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हो तो आपके ऊपर भी डिसिप्लिन प्रोसीजर उठाया जा सकता है. देन वर्क रूल्स क्या है एंड इन व्हाट सिचुएशंस the employees employee can be terminated from his employment. ये सारी चीजें contract of employment में mentioned होंगी. So with this the process of selection comes to an end. क्या कैसे select किया आपने, सबसे पहले तो preliminary screening की, फिर test conduct किए, फिर आपने interview ली. interview लेने के बाद फिर आपने reference and background check किया employees का. उसके बाद आपने डिसीजन ली कि हाँ ये पर्सन हमने सिलेक्ट करना है. तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का मेडिकल होगा. मेडिकल के बाद अगर वो उसको पास कर जाते हैं तो जॉब ऑफर, जॉब ऑफर के बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ठीक है. सो दिस इज हेयर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कम्स टू एन एंड. ये तीसरा स्टेप था स्टाफिंग का. एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट फर्स्ट है, रिक्रूटमेंट सेकेंड है और थर्ड है सिलेक्शन ठीक है. अब कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया, फोर्थ स्टेप पे आते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. बेटे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, हम चाहते हैं कि जो हमारे इम्प्लॉयज हैं इनकी परफॉर्मेंस जो है, कोई भी नहीं चाहता कि उसकी फर्म में स्टेगनेंसी रहे या परफॉर्मेंस जो है इम्प्लॉयज की वो हमेशा एक जैसी रहे. जैसा इम्प्लॉई आया था आपके इंस्टीट्यूट में और वैसा ही वो रिटायर हो जाए तो इट्स ऑफ नो यूज. सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू इम्प्रूव द आइदर द करंट और द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ देयर इम्प्लॉयज बाय इंक्रीजिंग इम्प्लॉयज एबिलिटी टू परफॉर्म थ्रू लर्निंग ठीक है. अब किस तरह से उसकी हम वो चेंज कर सकते हैं परफॉर्मेंस, चाहे वो करंट परफॉर्मेंस आप उसकी बढ़ाना चाहते हो या फ्यूचर परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हो. आपको लगता है आपका एम्प्लॉई आने वाले टाइम में आउटडेटेड होके ना रह जाए, तो फ्यूचर में भी इसकी परफॉर्मेंस को आप बढ़ाना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो. बाय इंक्रीजिंग हिज एबिलिटी टू परफॉर्म थ्रू लर्निंग, लर्निंग से या एटीट्यूड चेंज करके या उसकी स्किल्स बढ़ा के या नॉलेज से किसी भी एक तरीके से ठीक है. कैसे, उस लर्निंग से एटीट्यूड से एटीट्यूड में चेंज लाकर या उसकी स्किल और नॉलेज को बढ़ा के आप उसकी एबिलिटी टू यू नो या उसका परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो. दिस इज व्हाट वी मीन बाय ट्रेनिंग. ट्रेनिंग जब हम देते हैं बेटे, जब पहला टाइम था जब जॉब्स यूज्ड टू बी वेरी वेरी इजी सिंपल ठीक है. सो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं होते थे और उस टाइम पे इम्प्लॉयज को अपनी स्किल्स अपग्रेड करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती थी. बट आजकल बहुत ही रैपिड चेंजेस हो रहे हैं ठीक है. हमारी सोसाइटी जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स है तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर काफी प्रेशर होता है कि अपने आप को रीअडैप्ट करने के लिए. सो जैसे जैसे जॉब्स कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं वैसे वैसे इम्प्लॉयज की ट्रेनिंग की जरूरत बढ़ती जा रही है ठीक है. अब आप ये सोचो कि जैसे हमने इम्प्लॉय को उठाया था 20-30 सालों तक वो वैसे ही अपनी सर्विस देता रहेगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती जाएगी, नहीं, हमें उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना पड़ेगा तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगी ठीक है. सो बेटे ट्रेनिंग हम करते हैं सो दैट वी कैन गेट सर्टन बेनिफिट्स. We means firm will also get benefits from training of the employees and employee himself will get certain benefits if the organization provides him with training methods.
ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। बेटे ट्रेनिंग एक सिस्टमेटिक लर्निंग है, ठीक है, सो इट इज ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड्स। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब तीर तुक्का चला लिया, कहीं तो जाके लगेगा, तो लेकिन जब अगर 8 अटेम्प्ट्स के बाद आपका तीर निशाने पे लगा तो 7 तीर तो आपने वेस्ट किए ना। सो एन अनट्रेन्ड एम्प्लॉई वर्क्स इन अ हिट एंड ट्रायल मेथड, वो कोशिश उसको कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी गई, ठीक, वो एज इट इज जैसे ही वो अपॉइंट हुआ, अपना ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, बाहर आया, जॉब मार्केट में आया, उसको जॉब मिल गई, उसको काम में उन्होंने घुसेड़ दिया, उसको पता ही नहीं काम कैसे करना। सो धीरे धीरे वो सीख तो जाएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले करके देखेगा, फिर वो गलत हो गया, अच्छा ऐसे करके देखता हूँ, ऐसे भी गलत हो गया, तो जब तक वो तब तक यू नो ट्रायल करता जाएगा जब तक तीर निशाने पर नहीं लगेगा। सो जो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है ना, इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मनी। ऑन द अदर हैंड जब हम इम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं, उनको बताते हैं दिस इज हाउ वी लर्न, यू नो दिस इज हाउ वी डू द थिंग्स, सो वो हिट एंड ट्रायल मेथड की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, ही इज ऑलरेडी ट्रेन्ड टू डू हिज वर्क इन अ बेटर वे। ठीक है, सेकेंड बेटे इट एनहेंसेज इम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी लीडिंग टू हायर प्रॉफिट्स। वो एम्प्लॉय की प्रोडक्ट, जब हम एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी का मतलब यहां पर क्या है? यस एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी? प्रभनूर, ओके, एफिशिएंसी, यस तनीषा, राइट, आउटपुट पर एम्प्लॉय, एग्जैक्टली राणा, ट्रू तनीषा एंड राणा, वेरी गुड बेटे। सो प्रोडक्शन, आप कितनी, आपका पोटेंशियल क्या है? प्रोडक्टिविटी मींस योर पोटेंशियल टू प्रोड्यूस आउटपुट, योर एफिशिएंसी। तो जब हम एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, यानी लेट अस एक वर्कर की बात करते हैं, हम एक अनस्किल्ड वर्कर की बात करते हैं, उसको हमने ट्रेनिंग दी, वो फुटबॉल सीखता है, तो ट्रेनिंग से पहले वो दिन में 10 फुटबॉल सीखता था, ट्रेनिंग के बाद उसने 15 फुटबॉल सीने शुरू कर दिए, ये है क्वांटिटी वाइज उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। सेकेंडली, पहले जब वो फुटबॉल सिलता था तो वो जल्दी वो यू नो 10 सिलता था तो उसमें से 8 उसके स्टैंडर्ड्स को, कंपनी के स्टैंडर्ड्स को मीट करते थे, बाकी 2 वापस आ जाते थे, यानी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। आज ट्रेनिंग के बाद वो 10 अगर 15 करता है तो 15 के 15 जो है वो पास हो जाते हैं, पैरामीटर जो है स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, कोई भी रिजेक्ट नहीं होता है। ठीक है, सो इस तरह से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होता है? ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। ठीक, सो नेक्स्ट इज बेटर ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर हु कैन टेक ओवर इन केस ऑफ इमरजेंसी। सो आपने अगर अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रेन किया हुआ है, कल को आपका जो मैनेजर है वो चला जाता है या कुछ यू नो फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम वो छुट्टी पे चला जाता है या वो जल्दी रिटायरमेंट ले लेता है, तो इन दैट केस योर ट्रेन्ड वर्कर्स दे आर रेडी टू सर्व एज ए मैनेजर बिकॉज दे आर ट्रेन्ड, दे कैन टेक ओवर देयर मैनेजर इन केस ऑफ एमरजेंसी, उन्होंने सीखा हुआ है कि काम कैसे करना होता है। ठीक है, देन ट्रेनिंग इंक्रीजेस एम्प्लॉय मोरल एंड रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर। बेटे ट्रेनिंग से जो एम्प्लॉयज हैं उनकी मोरल मींस उनका कॉन्फिडेंस टू डू वर्क वो बढ़ता है,
अगर आपने उनको बताया ही नहीं कि काम कैसे करना है, तो इम्प्लॉय में फील अच्छा पता नहीं कैसे करना है, उसको देखता हूँ उसको देखता हूँ, और बाकी वर्कर कहेंगे अच्छा तेरे को ये नहीं करना आता, ये कैसे कर रहा है, तो उससे उसका मजाक बनेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो चला जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर उसको जॉब एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसके बाद उसको 1 महीने की ट्रेनिंग दी, फिर उसको काम पे लगाया, या ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी दे दी साथ साथ उसको काम कर बताया, एक सीनियर दे दिया जो उसको बताता रहा कि ऐसे ऐसे काम करना है, तो इन दैट केस उसकी मोरल बूस्ट होती जाएगी, एब्सेंटिज्म यानी वो छुट्टियां कम करेगा, और इम्प्लॉय की टर्नओवर भी कम रहेगी, यानी इम्प्लॉय टर्नओवर मींस जब इम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं, तो उसका एक कारण ये भी होता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे से चाहती क्या है, मैंने काम कैसे करना है, मेरे को मेरा एम्प्लॉयर या बॉस रोज रोज डांट देता है, पता नहीं मेरे से क्या चाहता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बताया हुआ है दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम यू, और आपको ट्रेन किया हुआ है कि ऐसे करना है, तो इन दैट केस जो लेबर टर्नओवर है वो कम रहेगी, वो छोड़ के नहीं जाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। देन इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक। तो बेटे आज का एनवायरमेंट देखो कितना फास्ट चेंजिंग है, तो अगर हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन नहीं करेंगे तो वो चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो हमारे एम्प्लॉयज जो हैं हमारे फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट को बहुत जल्दी से अडेप्ट कर लेंगे, ठीक है। सो वन पॉइंट ऑफ रेफरेंस हियर कि व्हेन जूम क्लासेस वी स्टार्टेड टेकिंग जूम क्लासेस लाइक सेशन वॉज टू स्टार्ट ऑन 6th एंड 3rd एंड 4th आवर मैनेजमेंट दे ऑर्गेनाइज्ड ट्रेनिंग क्लासेस फॉर ऑल अवर टीचर्स, ठीक है। अ पर्सन हु वाज वेल फेमिलियर विद जूम, हाउ टू ऑपरेट जूम, एट दैट टाइम वी डिडंट इवन नो कि कैसे अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करनी है, किस तरह से स्टार्ट करना है, सेटिंग्स में क्या क्या चेंजेस करने हैं, अगर स्टूडेंट हैंड रेस करता है तो उसको अनम्यूट कैसे करना है, वीडियो ऑफ ऑन कैसे करना है, हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। सो वी वर गिवन ट्रेनिंग कि यहाँ पर जाइए तो इसको लॉग इन करिए, यहाँ ऐसे करना है आपको, सो वी वर एबल टू लर्न सच थिंग्स थ्रू ट्रेनिंग, ठीक। सो ये है बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। एज अ रिजल्ट बिकॉज द अवर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड अस विद ट्रेनिंग, वी वर एबल टू स्टार्ट अवर स्कूल और सेशन फ्रॉम द शेड्यूल्ड डे, ठीक है। All right. So, बेटे next benefits which the training provides to the employees. अब जो ट्रेनिंग है उसका बेनिफिट ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को होता है, जिन एम्प्लॉयज को हम ट्रेन करते हैं उनको भी इसके कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। फर्स्ट है बेटे इम्प्रूव्ड स्किल एंड नॉलेज ड्यू टू ट्रेनिंग लीड टू अ बेटर करियर ऑफ द एम्प्लॉय। तो जब हम एक एम्प्लॉई जो है ऑलरेडी क्वालिफिकेशन लेके आया है, डिग्री लेके आया है, वहां पर ऑलरेडी वो कुछ चीजें सीख के आया है, लेकिन जब हम उसको अपनी फॉर्म के हिसाब से उसकी स्किल्स और नॉलेज बढ़ाते हैं तो उसके करियर प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं और ज्यादा बढ़ जाते हैं। देन इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस बाय द इंडिविजुअल हेल्प हिम टू अर्न मोर। तो बेटे अगर उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी ट्रेनिंग से तो उससे उसकी अर्निंग करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। जैसे मैंने अभी अब अनस्किल्ड वर्कर की आपको बात की, वहां पे सपोज करो जो वेजेस हैं वो पर पीस के बेसिस पर दी जा रही है, पीस वेजेस हैं। तो पहले वो 10 फुटबॉल सीखता था तो एक फुटबॉल का उसको मिलता था 20 रुपये, तो वो 200 रुपये घर लेके जाता था। अभी ट्रेनिंग से वो 15 फुटबॉल सिल पाता है, तो एज अ रिजल्ट ही वुड बी एबल टू टेक होम 300 रुपीज, तो उसकी अर्निंग जो है वो भी बढ़ जाती है। देन ट्रेनिंग मेक्स द एम्प्लॉय मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन्स। ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज जो हैं वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, अपनी मशीन्स को ज्यादा बेटर वे में हैंडल कर पाते हैं, दिस मेक्स देम लेस प्रोन टू एक्सीडेंट्स। तो आपको पता होगा ये एक बड़ी ही सीरियस प्रॉब्लम है, फैक्ट्रीज में वर्कर्स जो हैं वो मशीन्स को हैंडल नहीं कर पाते हैं, नई नई मशीनें आती रहती हैं,
तो अगर बिना ट्रेनिंग के हम वर्कर्स को काम पे लगा देते हैं तो कई बार उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हाथ कट गया, फिंगर कट गई, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन अगर हमने आप उनको पहले से ही ट्रेन कर रखा है कि इस तरह से हमने इस मशीन को ऑपरेट करना है, तो ऐसी एक्सीडेंट्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देन बेटे, ट्रेनिंग इंक्रीजेस द सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज, क्योंकि वो ट्रेन्ड है, उसको अच्छी एक ट्रेनिंग मिली है, काम करने का तरीका बता दिया उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी जो मोरल है, कॉन्फिडेंस है, सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो काफी हाई रहेगा। ठीक है, दिस वॉज अबाउट बेनिफिट्स ऑफ द ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द एम्प्लॉइज। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, बाकी अब फिर सोनिया बजाज मैम आपका कंटिन्यू कर देंगे, तो स्टाफिंग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं अपने नेक्स्ट फिर वीक में आपको डायरेक्टिंग के चैप्टर से स्टार्ट कराऊंगी। ठीक है बेटे, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।